स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम मुकेश सुधीर आपके लिए लेके आए हूँ बहुत ही शानदार अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग से। बहुत ही बड़े बड़े हिसाब से यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। मैं एक बार थोड़ा बिल्डिंग का एक बार लुक दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे प्रॉपर्टी संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी तक की प्रॉपर्टी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दिखा दीजिए कितना अच्छा जो आप यहाँ 3 ब्लॉक बने हुए क्योंकि आपस में कनेक्टेड ऊपर से तीनों दिखा दीजिए माध्यम से तीनों कनेक्टेड। इसका भी आप जैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो बीच में आप एक बार गार्डन का वीडियो आप एक बार दिखाइए, एक बार बिल्डिंग दिखाने के बाद में। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मारकोटा से जैसे जैसे रोड पर चलेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद इस पर यार्ड मार्केट करके बिल्डिंग पड़ेगी जो 200 फुट में यहाँ पर बनी हुई है। तो मिलते हैं अगर अपन 3 BHK की टूर करते हैं उसके बाद। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 BHK वाला टूर करने वाले, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे तक की यहाँ पे जो है देखते हैं यहाँ पे सर्विस का जो भी काम है ये देखते हैं। तो एक बार यही करवाएंगे आपको टूर, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। तो नमस्कार मेरे तक की, एक बार अपन 3 BHK का टूर करने वाले थे, एक बार बताइए सर क्या कहेंगे। बहुत ही प्यारा यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है नरेंद्र जी, बहुत शानदार यहाँ पे हमने किया। जो सबसे खास बात जो मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है वो खास बात ये कि अगर कोई बाहर से कोई आता है यहाँ पे तो मतलब अंदर रूम की तरफ और किचन की तरफ जैसे महिलाएं किचन में काम कर रही है उस तरफ वो नहीं देख सकते। सबसे अच्छी खास बात आता है माहौल लगा की यहाँ क्या कटन लगा देते हैं, फिल्म लगा देता है, तो एकदम बिल्कुल सेपरेट सा ही हो जाता है। तो इधर की तरफ जैसे टीवी पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है, आगे आप बताइए कैसे किसे चेक है सर। ये टीवी पैनल आ गया, ये आपका पूरा एसी के सोफा आ गया सारी चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल वेंटिलेशन की प्रॉपर बालकनी भी है आपको। इधर की तरफ से कैमरा मैन जी आप दिखाइए, बहुत ही प्यारा यहाँ पे मैं जो है लुक एक बार मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत प्यारी इंटीरियर दिया है अपन ने, साथ साथ में एक बार इधर की डिजाइन भी एक बार दिखाइए। बहुत प्यारी डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलती है, ये नेचुरल अमेजिंग डिजाइन की बहुत प्यारा यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ में अगर देखेंगे जैसे मेरे सामने पर बालकनी दिखाएंगे एक बार मेरे लिए, बहुत प्यारी यहाँ पे स्पेस बालकनी का मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार दिखाइए मैं आपके पास में आके दिखाई, बालकनी से आपको पूरा टाउनशिप का व्यू रहेगा, गार्डन व्यू रहेगा, वाटर बॉडी का व्यू रहेगा। अगर बच्चा नीचे खेल भी रहा है तो लेडीज की नजर रहेगी। तो इस तरह से अपन ने प्रॉपर डिजाइन किया है, हर रूम के साथ प्रॉपर बालकनी दी है, प्रॉपर विंडो दिया है, सनलाइट भी प्रॉपर है। आइए किचन दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अपन एक बार किचन की तरफ अपन एक बार बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे अपन को किचन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बार किचन का स्पेस मेरे को प्रॉपर लग रहा है, बढ़िया किचन का स्पेस दिया है नरेंद्र जी आपने, एक बार अच्छा देखने को मिल रहा है। कैमरा मैन नरेंद्र साहब दिखा दीजिए एक बार। 12x8 की किचन जो है इधर की तरफ, रेफ्रिजरेटर के लिए आपने प्रॉपर जगह दी है, प्रॉपर स्पेस निकाला है अपन ने रेफ्रिजरेटर के लिए। अधिकतर नहीं रहते, बहुत अच्छा प्यारा स्पेस यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फुल्ली वेंटिलेशन, आप देखेंगे विंडो का साइज देखिए, बिल्कुल सफोकेशन नहीं है किचन में। किचन के बिल्कुल सामने की तरफ जैसे कि कन्वीनियंस के हिसाब से अपन देखते हैं कि यहाँ पे खाना बना रहा है तो हस्बैंड को परोसने के लिए बिल्कुल सामने की तरफ डाइनिंग एरिया यहाँ पर रखा गया है। तो ये भी बहुत प्यारा आपने मतलब एक दिन सोच समझ के एक बार ये डिजाइन आपने यहाँ पे रखी है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे भी मेरे को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सेपरेशन हो गया जैसे उधर सोफा की तरफ, एक बार दिखाई पर आप सोफा की तरफ से बिल्कुल हटके इधर डाइनिंग एरिया यहाँ पे गेस्ट भी बैठा है, लंच डिनर लेने से सेपरेट कर सकते हैं। अगर किचन में वर्किंग कर रही है तो भी एक सेपरेट अपन बढ़ते हैं एक बार रूम की तरफ, एक बार पहले रूम देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, तो ये मास्टर बेडरूम है, बहुत अच्छी फ्लोरिंग आपने यहाँ पे देखा है। अपन मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग दे रही है, बहुत ही प्यारा हर फ्लैट के मास्टर बेडरूम का एक बार थोड़ा देखिए, किंग साइज का बेड लगा हुआ, उसके बाद स्पेस देखिए। कैमरा मैन जी एक बार थोड़ा सा चारों तरफ से एक बार घुमा के दिखाइए कितना प्यारा यहाँ पे लुक मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्पेस जो है चारों तरफ से, मतलब इधर की तरफ भी अच्छा स्पेस है, उधर भी बहुत अच्छा स्पेस है, सामने की तरफ तो बहुत ही प्यारा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीवी पैनल भी अपन ने बनाया है, इसके अलावा मॉल बाउंड स्पेस अपन ने प्रॉपर दिया है,
विंड का स्क्वायर अपन ने पूरा स्क्वायर रखा है। आप अदर बिल्डिंग का देखेंगे तो आपका वॉल्ड ऑफ स्पेस अंदर बिल्डिंग टीवी पैनल का लुक भी आपने मतलब बहुत अच्छा प्यारा एकदम सिंसियर बिल्कुल बिल्कुल इधर की तरफ जैसे कैमरा जी पर दिखाई यहाँ पे वॉल्ड ऑफ यहाँ पे हो गया है इधर की तरफ सामने तो बहुत प्यारी डिजाइन यहाँ पे दी गई है डिजाइन आप बोल रहे पूरी वॉल्ड ऑफ स्पेस दिया है सामने की तरफ कैमरा में जो दिखाई अटैच कर दिया था पूरा आपका टाउनशिप का व्यू रहेगा वाटर बॉडी अपना ग्राउंड मेन एलिवेशन तो भी आपने हमको दिखाया एक बेडरूम अभी अपन देख चुके हैं ये मास्टर बेडरूम था जो अपन अभी देख रहे थे तो अपन चलते हैं एक बार किड्स रूम की तरफ आइए सर ये देखिए अरे वाह नरेंद्र जी बहुत ही प्यारा मेरे को यहाँ पे लुक देखने को मिलता है जो बच्चों की जो थिंकिंग के हिसाब से बच्चों के हिसाब से जो आपने जो कलर कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे जो थीम पर सब कुछ डेकोरेट किया है बहुत प्यारा यहाँ पे बिल्कुल एकदम बुक्स वगैरह रखने के लिए प्रॉपर एकदम अच्छी जगह दी गई है प्रॉपर वेंटिलेशन सनलाइट बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही प्यारा बुक यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है तो यानी कि अपन मतलब एडवांटेज है कि मतलब तीन बालकनी अपन देख चुके हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया मतलब एक फ्लैट के अंदर 3 BHK फ्लैट में 3 बालकनी बिल्कुल 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 बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को ये अब अपन देखते हैं लास्ट वाला रूम पेरेंट्स रूम में आपको या गेस्ट रूम में बना सकते इसका भी साइज जैसे मैं देख पा रहा हूँ 13x14 के आसपास का साइज मेरे को लग रहा है लगभग लगभग सामने की तरफ से वॉलपेपर हो गया डिजाइन बहुत प्यारा है पेपर आ गया अटैचने का पार्ट आ गया आपका साइज की अगर अपन बात करें तो इधर की तरफ भी अपन देख सकते हैं कितना स्पेस जो है इधर की तरफ भी दिया गया वॉर्डरोब्स का स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है प्रॉपर हॉल का बालकनी अच्छा 4 बालकनी होगी सर मैं 3 बता रहा था 4 बालकनी हो गई बहुत बढ़िया सर रूम के साथ फिर अपने मतलब 3 रूम के साथ 3 बालकनी और 2 रूम के साथ अटैच बेड बात हो गई पीछे की तरफ अटैच बेड लेट हुआ जैसे मेरे को देखने को मिल रहा है सामने बालकनी एरिया हो गया बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो है मेरे को देखने को मिल रहा है मतलब एक हर एक रूम के अंदर आपको बालकनी मिलेगी 2 रूम के अंदर जो मास्टर बेडरूम है उनके अंदर आपको जो है यहाँ पे अटैच लेट बाद में देखने को मिलेगी एक कॉमन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गेस्ट बहुत ही प्यारा यहाँ पे देखें अच्छा इसमें और क्या क्या सब सुविधा है जैसे क्लब हाउस वगैरह की क्या सुविधा है यहाँ पर क्लब हाउस की बात करें तो अपने पास लगभग 50 वाला मूवी थिएटर 12 सीटर मूवी सेट अपन ने कवर्ड स्विमिंग पूल बनाया जिससे लेडीज वगैरह भी यूज करें फैमिली यूज करें जूस बार है अपने पास जिम्नेजियम है अपने पास में फर्निश्ड गेस्ट रूम है इवन आपके घर में गेस्ट आ गए और उसको ठहराने की पूरी व्यवस्था है सोसाइटी फुल्ली फर्निश अपन गेस्ट रूम बनाए उसके अलावा सर इंडोर गेम है टेबल पीरियड हस्बैंड वाइफ अगर जॉब करते हैं तो पैच भी अपने पास अवेलेबल है उसके अलावा अपने पास में मल्टीपर्पज हॉल है पार्टी कर सकते हैं बर्थडे पार्टी इंजॉय कर सकते हैं बहुत बढ़िया उसके अलावा अपने पास में सर बारबेक्यू रेस्टोरेंट अगर आप ओपन पार्टी करना चाहते हैं तो अपने टेरेस पे इसकी व्यवस्था की मतलब यहाँ मतलब ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने यहाँ पे नहीं है मतलब सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी मतलब एक फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ रहने के लिए जो चीज चाहिए वो सब चीज आपके पास मिलेगी उसके अलावा हमने यहाँ तक ड्राइवर सर्वेंट के लिए भी सोचा हमने नीचे एक्स्ट्रा ड्राइवर डेवलप भी निकाल दिया आज तक जयपुर में किसी बिल्डर में नहीं मतलब मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे मतलब सुख सुविधाओं के नाम पे जयपुर में ऐसी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज निकाला अगर आपके घर में ज्यादा सामान स्टोर हो जाता है तो नीचे उसको मेरे पास स्टोरेज भी ओके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं अच्छा दोनों ही ऑप्शन है दोनों ही ऑप्शन कर सकते हैं आपका फ्लैट एक खुला खुला खाली खाली रखा है जैसे कि अपन सर्दी के अंदर ट्रंक बिस्तर वगैरह यूज करते हैं फिर 6-8 मंथ वो एकदम हो जाता है तो आप उनको नीचे रख सकते हैं अच्छा यहाँ पे अपार्टमेंट में कितने कितने मतलब 2 और 3 बेडरूम के 3.5 अच्छा साइज की अगर बात करें तो सर 2 BHK की अगर बात करो तो 1257 स्क्वायर फीट 1336 स्क्वायर फीट 1400 स्क्वायर फीट 3 उसमें बने हुए हैं अगर अब मैं 3 BHK की बात करूँ तो 1415 स्क्वायर फीट 1585 1658 1700 1800 1800 सबसे बड़ा वाला जो अपने पास 1800 1855
अच्छा, रेट की अगर अपन बात करें तो रेट सर, रेट की अगर अपन बात करें तो 2900 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव। मतलब इसके बाद में मेरे हिसाब से रजिस्ट्री का चार्जेस लगना है, का ही चार्जेस लगेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपको ये जो है देख के मेरे को। और इसे अगर मैं फीचर्स की अगर बात करूँ तो डबल बेड है, जॉनसन के टाइप दिए सर ने, जगुआर सेना की बाथरूम की फिटिंग से अपनी वी गार्ड के वायर हैं, वी ग्रेन के स्विचेज हैं, एसएल के पाइप्स हैं। इवन अगर आप मेरे डोर भी देखेंगे तो 7x4 का डोर है, बहुत सारी चीज है, डोर साइड के लॉक हैं, क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ए क्लास क्वालिटी। ए क्लास क्वालिटी आपने दे दी, सुख सुविधाएं पूरी आपने आपने मेरा कॉरिडोर जिस हिसाब से देखा 16.5x10 फिट के मेरे कॉरिडोर है, पर फ्लोर पर मैंने बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट दिया है क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ले लीजिए सिक्योर रहे तो हमने बाहर की बात, जिस बंदे को आप अंदर नहीं फ्लैट में एंट्री नहीं देना चाहते तो उसके लिए मैंने सिटिंग लॉन्च बना दी। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि दोस्तों अपन ने देखा कितना खूबसूरत कितना प्यारा यहाँ पे 3 BHK में को देखने मिला। रेट के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही मतलब इकोनॉमिक रेट अपन बात कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सामने की तरफ अगर अपन जहाँ खड़े हैं 200 फीट रोड में दोनों तरफ जो लगती है 200 फीट रोड जैसे 200 फीट कॉर्नर प्रोजेक्ट है, रिंग रोड हाफ किलोमीटर हाफ किलोमीटर रिंग रोड हो गया। मेन पाकरोटा की बात करें तो लगभग लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मेन पाकरोटा और यहाँ से पड़ता है, तो मतलब कन्वीनियंस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत अंतिम में ये कहना चाहूंगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नरेंद्र जी जो है वो भी चीज कहना चाहेंगे इनके कहने पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिल्कुल, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बार आपके टीम पर विजिट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।